साथ ही लेडी एचिसन अस्पताल है, तो वो इधर जो है ना वो डिलीवरी वाली औरतें रक्षे के अंदर आती हैं इमरजेंसी केस के अंदर। अच्छा। तो वो जो है ना कुछ औरतों की जो है ना डेथ हो गई और कुछ बच्चे जो है ना वो मासूम मर गए, तो वो जो है ना रास्ते में डिलीवरी होकर झटके लग लग के, और वो जो है ना वो हुकूमत कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई बनाने को तैयार नहीं है, ये आवाम के साथ ये कब तक जो है ना। आप देखें कि कितने जुल्म की बात है कि रक्षे के अंदर औरतों की यहाँ डिलीवरी हो रही थी, अक्सर बच्चे रास्ते में मर जाते हैं और औरतों की भी औरतें भी जहाँ पाक हो गई है। भाई बच्चे बैठे हुए होते हैं चिंची रिक्शे के अंदर, उनके होठ फट जाते हैं, माए जो है ना दुपट्टों से जो है ना उनके होठ साफ कर रही होती हैं, और क्या है जी, क्या कह रहे हो? गाड़ियाँ नीचे से लग रही हैं सारी यार, गाड़ियों के बम्पर खराब हो रहे हैं। ठीक ठीक, आप अक्सर यहाँ से गुजरते हैं? जी अक्सर गुजरते हैं यहाँ से, तो काफ़ी गाड़ी खराब हो रही थी जब यहाँ से गुजरते। पिछला मेरा बम्पर देखे, अभी गाड़ी का पीछे बम्पर लगा है मेरा। ये जो लेडी एचिसन अस्पताल है ये लेडी डायना ने बना के दिया था कि ताकि यहाँ जो ना औरतें जो ना बच जाएं, मरे ना, मगर हमारी बेस ही देखे, हम 70 साल में भी जो ना लोगों के वो बदलने को तैयार नहीं है। और भाई एक मिनट रिक्शा रोको, रिक्शा रोको। हाँ जी, आप इसके अंदर बताएं कि आप किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस रिक्शे में, और झटके लग रहे हैं आपको? जी झटके लग रहे हैं, और ये मेरे साथ ऊंचा बोले सर, ये बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं, रोड ख़राब है, मेरे वालिद साहब हैं और ये बीमार हैं, इनको कमर में बहुत शदीद पेन है। जी हॉस्पिटल से आ रहे हैं हम, काफ़ी मुश्किल हो रही है रिक्शे में बैठ के, बहुत मुश्किल हो रही है। भाई आप अक्सर यहाँ से आते रहते हो? जी बिल्कुल। तो आपके साथ जो मरीज बैठते हैं काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? जी ऐसा ही है, अभी मुश्किल है, सारी सड़क टूटी हुई है। ये मोटरसाइकिल पे मियां बीवी जो ना आ रहे थे, वो जो ना दोनों उलट गए, वो ऐसे चित लेट गए जमीन के ऊपर। तो मकसद ये क्या है यार, ये क्या हो क्या रहा है? आप देखे एक तरफ दाता साहब है, एक तरफ ब्रांथर रोड है, शालमी है, अनारकली है, बांसो वाला बाजार है, तो ये क्या हो रहा है ये आवाम के साथ? अब आप बताइए आपको। तो आपके साथ मरीज लोग भी बैठते हैं? जी बिल्कुल, मरीज लोग बैठते हैं। ठीक है, तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बहुत, ये रोड बहुत खराब है। आगे कर दो थोड़ा। तो मेरी बात सुनो, प्रेग्नेंट वुमेन्स भी बैठती हैं आपके साथ जिनके पेट में बच्चा? साथ ही हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल और लेडी एचिसन, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज को लेके जाते हैं, उधर बहुत तंग होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना। तो अक्सर ऐसा भी होता है झटके लगने से यहीं पे उनकी हालत खराब हो जाती है? हाँ जी, परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान। बच्चा भी होता बीच में? हाँ जी, कभी कभी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं ना हॉस्पिटल से आ रही हूँ, ऑपरेशन भी हो, इतने झटके हैं कि ये सड़क इतनी तंग है, कितनी देर से नहीं ये सड़क पर रही। आप देख ले, ये मरकज है, इधर तीन अस्पताल जो ना, मियो अस्पताल, लेडी एचिसन अस्पताल, जो हमारे हुक्मरानों ने नहीं बनाया, ये अंग्रेजों के दौर के बने हुए ये जो सारे अस्पताल है। और इनके आप ये देखे बेहिसी देखे कि ये जो ना एक साल हो गया, वासा कह रहा है वो देंगे पैसे, गवर्नमेंट देगी, और गवर्नमेंट कह रही वासा पैसे देगी, एक करोड़ रुपए रिलीज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोग जो ना ये देखे कितनी मुश्किलात का शिकार है। और इस रोड के ऊपर जो प्रेग्नेंट माएँ होती हैं वो जाती हैं, इस रोड के ऊपर जो आँखों वाले पेशेंट हैं वो जाते हैं, इस रोड के ऊपर जो है ना जख्मी लोग जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो जाते हैं, और इस रोड की कोई सुनवाई नहीं है, बेहिस हो गए ये हुक्मरान और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ पर 4-5 मीडिया वाले आ चुके हैं, मीडिया वाले आके जो ना इधर से वो बना चुके हैं, कैमरा मैन ही कर चुके हैं, मगर सिर्फ ढोंग और दिखावा है यहाँ पर इस रोड के साथ लोगों के साथ जो है ना वो हो रहा है, क्या कहते हैं, अन्याय हो रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है। और ये दुकानदार सारे परेशान हैं, इनकी सेल 10% भी नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स, मैं इस टाइम मियो हॉस्पिटल रोड पे मौजूद हूँ, जो कि पैसा अखबार से आंखों के अस्पताल, गायनी के अस्पताल और मियो अस्पताल को रोड जाते हैं। यहाँ तीन अस्पताल हैं और व्यूअर्स यहाँ से मरीज़ गुजरते हैं, प्रेगनेंट वुमेन गुजरती हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यहाँ टॉयलेट डिपो में लगते हैं, मरीजों की हालत यहीं पर ख़राब हो जाती है। यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं उनका कहना है कि हमारा कारोबार टकेगा नहीं, रह गया। यहाँ से जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ गुजरती हैं उनकी भी, वो भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं, गाड़ियों के बम्पर टूट गए हैं, मोटरसाइकिलों के शॉक टूट गए हैं इस रोड की वजह से। एक साल से आवाम यहाँ पर मुश्किलात का सामना कर रही है। भाईजान आप हिचकोले खाते हुए आ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको झूले लेते हुए? बिल्कुल मज़ा। क्या हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं? कमर में दर्द हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जैसे चल रहा है चलने दें। सही है भाई, आप ये हिचकोले खाते आ रहे हो, मज़े ले रहे हो, जैसे लग रहा झूले में बैठे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोहल्ले में भी हम यही ले रहे हैं, उधर भी उन्होंने गटर डाले हैं, तो 6 महीने हो गए हैं, इंशाल्लाह ना वो बनने ना ये बनने हैं। सही है।
यहाँ पे बारिश होती है तो तीन तीन चार चार फुट पानी होता है, हमारी दुकानों के अंदर पानी होता है। सही है। कारोबार को तो पहले ही नहीं थे, अब इस रोड की वजह से हम तो बिल्कुल जो है ना रोड पे आ गए हैं। ये हालात हो गए हमारे। तो सर यहाँ पर हादसा भी होते हैं इसकी वजह से? हादसा बहुत होते हैं यहाँ पे, साथ ही हॉस्पिटल है लेडी एचिसन, डिलीवरी केसेस होते हैं यहाँ पे, औरतें जो बड़े मसले मसाइल हैं, बाइक पे तो बंदा गुजर ही नहीं सकता यहाँ। जब बारिश होती है सुना सोने पे सुहागा हो जाते हैं यहाँ जी? बारिश जब होती है तो फिर यहाँ पे तो तीन तीन फुट पानी होता है। सही है। और गाड़ी का भी गुजरना मुश्किल होता है, पैदल गुजरना तो दूर की बात है, गाड़ी भी नहीं गुजरती, कोई चीज़ नहीं गुजरती, यहाँ पे दुकानों के अंदर पानी होता है एक एक फुट। तो सर आप हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं इस रोड के वाले से? हुकूमत को पैगाम यही देते हैं सर कि ये हमारा मसला हल किया जाए ताकि एक लोगों के कारोबार चल सकें। लोग बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से, कारोबार है नहीं है, देखिए हम फारग बैठे हुए हैं सारे दुकानों में, कोई कस्टमर इधर आता ही नहीं है, पैदल आने का खराब रोड होने की वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर नहीं आ रहा। व्यूअर्स आज हम मौजूद थे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के मज़ार के आगे, जहां पर रोड टूटा हुआ है। आपने यहां देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहां पास ही हॉस्पिटल है, जब यहां लोग अपने मरीज को लेके जाते हैं रास्ते में ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इन टूटे रोडों की वजह से। कारोबार यहां टकेगा नहीं रह गया इस रोड के टूटे होने की वजह से। तो यहां के जो लोग हैं उनकी अपील है हुकूमत से कि इस रोड को जल्द अज़ जल्द ठीक करवाया जाए। व्यूअर्स अपने हौसले खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।